डीजे गाड़ी पर कावड़ यात्रियों का डांस, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से चार युवकों को लगा करंट, एक की मौत। इंदौर जिले के मऊ में सोमवार को कावड़ यात्रा के दौरान करंट लगने से एक कावड़िया की मौत हो गई, जबकि तीन जख्मी हुए हैं। डीजे की धुन पर डांस कर रहे एक कावड़िया का हाथ 11000 केवी की बिजली की लाइन से टच हो गया, जिससे वाहन में करंट फैल गया। करंट लगने से कुछ कावड़िया वाहन की छत पर गिर गए। घटना सिमरौल थाना क्षेत्र की है। सिमरौल थाना प्रभारी RS भदौरिया ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ है। उस समय कावड़िया आपस में डांस कंपटीशन कर रहे थे। करंट लगते ही युवक गिरने लगे। एक युवक रौनक की मौके पर मौत हो गई। शिव लोकेश और अतुल झुलस गए हैं। शिव को इंदौर के MI अस्पताल रेफर किया गया है। लोकेश और अतुल का इलाज मऊ में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले हफ्ते ही हुआ था ऐसा हादसा। पश्चिम बंगाल के कुछ विहार में पिछले सोमवार को पिकअप में करंट आ जाने से 10 कावड़ियों की मौत हो गई थी, जबकि 16 बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। हादसा मेखलीगंज थाना क्षेत्र के धारला ब्रिज पर हुआ था। 27 कावड़िये पिकअप में बैठकर अल्पेश के शिव मंदिर में जल चढ़ाने हेतु जा रहे थे। पिकअप के पिछले ही हिस्से में DJ बज रहा था। जनरेटर के वायर में शॉर्ट सर्किट होने से पिकअप वाहन में करंट पहुंच गया था, जिसकी चपेट में कावड़िया आ गए थे और 10 कावड़ियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट CID News इंदौर।